तो हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल, फर्स्ट यूट्यूब चैनल जो था वो डिलीट हो गया था। वो मेरा यूट्यूब चैनल, मैंने उसमें 1 साल तक बहुत मेहनत किया था और अच्छे खासे सब्सक्राइबर थे, अच्छे खासे व्यू थे और अच्छे खासे वॉच टाइम भी हो गए थे। लेकिन मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया। तो चलिए आपको भी बताते हैं, वो गलती आप लोग ना करें। तो मैंने वो चैनल अपना अपना चैनल 1 साल तक उसको चलाया। फिर मेरे एक छोटी सी गलती के वजह से यूट्यूब वालों ने मतलब डिलीट कर दिया। तो मेरा वो चैनल कैसे डिलीट हुआ मैं आप सभी को बताती हूँ, जिससे आप वो गलती ना करें, आप वो गलती ना दोहराएं और आपका चैनल डिलीट ना हो। तो मैंने अपने चैनल में मैं ब्लॉग वीडियो बनाती थी उसमें, और कुछ ऐसे ही स्टडी का, कुछ पढ़ाई वढ़ाई का मैं डाल देती थी उसमें वीडियो, और कुछ फनी वीडियो भी बना लेती थी और शॉर्ट्स भी वीडियो भी डालती थी, जैसे ड्राइंग, आर्ट वर्ट का, ये सब डालती थी। लेकिन मैंने उसमें एक गलती ये की कि मैंने दूसरे की वीडियो लेके उसको कॉपी पेस्ट करके और फिर मैंने अपनी यूट्यूब चैनल में उसको अपलोड कर दिया। पर एक वीडियो में कॉपीराइट नहीं आया, तो मुझे उस समय कॉपीराइट का पता नहीं था। मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था तो कॉपीराइट मुझे पता नहीं था कि कॉपीराइट क्लेम क्या होता है और डिलीट कैसे हो जाता है चैनल, ये सब मुझको पता नहीं था। फिर मैंने वीडियो अपलोड कर दी गई बहुत सारा, कम से कम मैंने उसमें अपने 20-30 करके वीडियो अपलोड कर दिए थे, जो कि कॉपी पेस्ट करके मैंने किए थे दूसरे के चैनल से। तो उसमें मेरा कॉपीराइट क्लेम आ गया और मेरा चैनल डिलीट हो गया। और डिलीट होने के बाद मेरा यूट्यूब स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, यूट्यूब चैनल ही स्टार्ट नहीं हो रहा था। फिर तो मैंने ये चैनल स्टार्ट किया और इसमें अपने, जैसे मैंने गेमिंग का और बहुत सारे चीज़ों का पूरा मिक्स करके इस चैनल पे अपने मैंने अपलोड किए हैं वीडियो और शॉर्ट्स वीडियो, जो कि बहुत अच्छे खासे व्यू भी आते हैं और अच्छे खासे शॉर्ट्स वीडियो भी चले जाते हैं, वायरल हो जाते हैं। तो आप लोग भी मेरे जैसी गलती ना करें, जैसे मैंने दूसरे की वीडियो लेके कॉपी पेस्ट करके अपने चैनल पे अपलोड किया था तो चैनल डिलीट हो गया था। तो आप लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे, इसीलिए मैं ये अपना वीडियो बना रही हूँ जिससे आप लोग ये गलती ना दोहराएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे एंड शेयर कर दे। अगर कोई भी आपको जानना हो कोई भी इन्फॉर्मेशन, या फिर आपको जो यूट्यूब का वो है, अगर इन्फॉर्मेशन अगर नहीं आ रहा हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और मैंने एक वीडियो अभी 2-3 दिन बाद अपलोड किए थे जिसमें मेरे अच्छे खासे व्यू आए, और वो कैसे आए हैं अगर आपको जानना हो तो कमेंट में बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी और बताऊंगी मैंने अपने उस वीडियो में क्या किया था। तो मेरे उस, मैंने प्रमोट दिस शॉर्ट्स का मतलब और अपने वीडियो में अपलोड किया था, डाला था, तो एक कमेंट आया है कि उसमें उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है कि उनका आगे मतलब नेक्स्ट नहीं हो रहा है, जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है वो क्लिक करके वो अपने व्यू को, शॉर्ट्स के व्यू को बढ़ा सकते हैं पैसे देके। वो यूट्यूब की तरफ से आया, उसमें कोई भी आपको मोनेटाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी मोनेटाइज करवाने में, अगर वो व्यू अच्छे खासे चले गए, जैसे कि आप पैसे देंगे और वो उतने दिन आपका वीडियो चलाएंगे जितने दिन आप उसको खरीदेंगे, प्रमोट करेंगे। तो मैंने भी जब स्टार्ट किया था ये यूट्यूब चैनल तो मेरे व्यू अच्छे नहीं आ रहे थे। जब मैंने एक वीडियो देखा, दूसरे यूट्यूबर का वीडियो देख के मैंने उस वीडियो को अपने इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन कैसे लगाते हैं ये देखा, टैग कैसे लगाते हैं ये देखा, तो वो मैंने किया और मेरे करने के बाद वो 2 दिन में मेरे अच्छे व्यू आए उस वीडियो पे। अगर आप लोग को यकीन ना हो तो मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं उस वीडियो को
कि मेरे कैसे, मैंने उसमें कैसे टैग लगाया था, कैसे डिस्क्रिप्शन लगाया था, कैसे थंबली लगाया था। और आप अपने वीडियो में थंबली अच्छे से लगाएं, जिससे यूट्यूब देखने वाले आपके थंबली को ही देख के आपके वीडियो को क्लिक करें। तो आप लोग, जैसे कि बहुत छोटे क्रिएटर्स होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि थंबली कैसे लगाते हैं और उसमें क्या हम थंबली में अपना लिखें, क्या उसमें लगाएं, तो थंबली में ये लगाएं, जैसे कैसे, कहाँ, कब और क्यों, इन सब का ज़्यादा यूज़ करें, जिससे आपके वीडियो में ज़्यादा अट्रैक्ट दिखता है, अट्रैक्ट करता है यूट्यूब को, तो अट्रैक्ट करता है, जिससे आपके यूट्यूब को ज़्यादा से ज़्यादा टच करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं, तो व्यू भी अच्छे खासे आएंगे, थंबली अच्छी रहेगी। तो आप लोग भी अपने वीडियो में थंबली अच्छा लगाएं, जिससे आपके वीडियो में व्यू आए। वैसे आप लोग अपने YouTube चैनल में, जैसे पहले आप YouTube चैनल स्टार्ट करते हैं तो हर तरह के वीडियो डाला करिए, जिससे आपको पता चलेगा कि मेरे YouTube को देखने वाले, मेरे चैनल को देखने वाले कैसा पसंद करते हैं, कैसा वीडियो पसंद करते हैं। तो आप लोग हर तरह के वीडियो डाला करिए, जिससे आपको पता चले कि आपके चैनल को किस तरह के लोग देखते हैं, कि जैसे ड्राइंग, आर्ट वाला, या फिर यूट्यूब के बारे में बताने वाला, या फिर किचन, या फिर खाना, फूड कुकिंग, या फिर कुछ ब्लॉगिंग, ट्रैवलिंग, ऐसा वीडियो करके डालिए, जिससे आपको पता चलेगा कि जिसमें अच्छे व्यू आएंगे, आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो में अच्छे व्यू आ रहे हैं। ऐसे मेरे यूट्यूब के क्रिएटर्स जो कि, तो आप लोग ऐसे क्रिएट करें अपने वीडियो को और ऐसे में अच्छे व्यू भी आएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपके चैनल में कैसे लोग आपसे जुड़े हैं और किस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो आप लोग यही, अगर वीडियो में मैंने कुछ अच्छा बताया हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो भूलिएगा मत, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और कमेंट करिएगा जो मैंने बताया है, अगर आपको अच्छे लगे आप लोग अपने वीडियो में वो करें और देखें कि क्या ये सच है कि नहीं। अगर सच हो, अच्छा लगे, आपके व्यू बढ़े, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब।